नमस्कार मित्रों, आमतौर पे कई ऐसे क्लाइंट है जो प्रश्न पूछते हैं कि जी फोटो फ्रेम के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें बताई है, लेकिन कौन से ऐसे चित्र हैं जो घर में हमें नहीं लगाने चाहिए, कौन सी ऐसी सीनरी है जिनका उपयोग हम अपने घर के अंदर लगाएंगे तो हमारे घर में नुकसान हो सकता है। तो मित्रों, बेसिकली तो आपने सीधा सीधा एक ही बात पक्के से अपने दिमाग के अंदर बिठानी है कि महावास्तु के अंदर 16 जोन की अवधारणा परम श्रद्धेय डॉक्टर खुशदीप जी बंसल ने हमें प्रदान की है, और प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक ऑफिस के अंदर, प्रत्येक भवन के अंदर ये 16 जोन विद्यमान होते हैं। प्रत्येक जोन की अपनी एक एक्टिविटी होती है, वह आपको कुछ ना कुछ देता है। ये तीन बात आपने फिक्स करनी है दिमाग में कि जोन कौन सा है, उसमें एक्टिविटी कौन सी कर सकते हैं और वहां पर किस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन हम रख सकते हैं। बस फोटो फ्रेम भी आपने इसी संदर्भ के अंदर सोचते हुए लगाना है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट का जो जोन है वह नकदी के प्रवाह का जोन है। आपके जीवन के अंदर जो कैश फ्लो होता है वह साउथ ईस्ट से आता है। अब साउथ ईस्ट है फायर का जोन, तो यदि यहां पर आप कोई ऐसे चित्र को लगा देंगे, ऐसी कोई सीनरी लगा देंगे जो पानी से भरी हुई हो, महासागर का चित्र वहां पर आप लगा देंगे, तो यह जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। यानी कि आपने अग्नि तत्व के अंदर जल तत्व को स्थापित कर दिया तो फायर इसे बुझेगी और आपके जीवन के अंदर कैश से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, आपका पैसा कहीं पर अटक जाएगा। जिनके यहां पर है मैच कर लीजिए। वहां पर यदि पानी की फोटो है, किसी भी प्रकार से पानी के स्रोत की फोटो साउथ ईस्ट में लगाना साउथ ईस्ट के जोन के बिल्कुल खिलाफ वाली बात है। तो बस ये फोटो लगाते समय आपने यही ध्यान में देना है कि जोन की एक्टिविटी क्या है। एक उदाहरण और ले लेते हैं कि साउथ वेस्ट जो रिश्तों का जोन है, स्किल का जोन है, और यहाँ पर परिवार के जो संबंध है, यानी आपने एक ऐसी फोटो लगा दी जिसमें परिवार के सभी सदस्य हंसते खेलते बड़े मुस्कुराते हुए है, ऐसी कोई भी आपका उत्सव समारोह उसकी एक फोटो गोल्डन फ्रेम में वहां पे डाल दी, तो आप देखेंगे जो ब्लड रिलेशन है आपके पिता पुत्र के संबंध, भाई बहन के संबंध, ये बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन यहीं पर आपने कोई ऐसा फोटो लगा दिया जिसमें लड़ाई हो रही है, महाभारत का फोटो लगा दिया यहाँ पे, युद्ध का कोई सीन लगा दिया यहाँ पे, शिकार करते हुए कोई जानवर की फोटो यहाँ पे डाल दी। कई बार ऐसा होता ना, ऐसे शिकार करता हुआ कोई आपको स्टेचू मिल जाए, वो भी बड़ा सुंदर सा लगा, आपने वहां पे रख दिया, तो आप देखेंगे आपके घर में भी वही प्रवृत्ति होने लगी है। रिश्तों के अंदर शिकारी जैसी आंखें हो जाएंगी, आपस में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएगी। घर में आपने पेंटिंग लगानी है तो पेंटिंग यानी चित्र खरीदते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान करना, बस वहीं पर बैठ के सोच लो कि आपने कौन से जोन के अंदर फोटो लगानी है। अब यदि आपको पता नहीं है कि कौन सा जोन हमारे घर के अंदर कौन सी चीजें दे रहा है, तो महावास्तु के अंदर 16 जोन होते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल देता हूं जिसमें महावास्तु 16 जोन नामक एक प्लेलिस्ट है मेरी। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 16 जोन के बारे में बड़ा डिटेल से बताया है कि वो जोन आपके जीवन में क्या अच्छाइयां ऐड करते हैं, उनमें क्या सावधानियां रखनी है। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वह प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, तो आप अपने घर के सभी जोन को उससे अच्छे से समझ सकते हैं। घर में ये जोन हमारे कहां कहां कैसे कैसे होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, उसके लिए टू दी स्केल मैप पे एक मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने घर के अंदर 16 जोन भी आप मार्क कर लोगे। तो 16 जोन आपने अपने घर में मार्क कर लिया, आपको पता है कि कौन सा जोन क्या चीज दे रहा है, यहां तक आप बिल्कुल पक्के हो जाएं। और उसके बाद में जब आपने फोटो खरीदनी है तो एक बार थोड़ा ऐसे चेक कर लें, ध्यान करें कि मैंने कौन से जोन में, मेरा कमरा कौन से जोन में आ रहा है और वहां पे कौन सी फोटो लगानी है, तो उस जोन से संबंधित एक्टिविटी को दर्शाता हुआ फोटो लगाएं। थोड़े कलर का चुनाव भी वैसा ही कर लें कि उस जगह के, उस स्थान के विरोधी कलर जो है ना, उनका चुनाव आप नहीं करें। बस इतना सा ध्यान में रखना है फोटो लगाने के संदर्भ में। यदि आपने इन जोन के हिसाब से फोटो का चुनाव किया तो यह हमेशा ही आपके लिए पॉजिटिव ही प्रभाव लेकर आएंगी। बस दो विशेष बातें ध्यान में रखनी है आपने, पहला जोन के हिसाब से फोटो हो, और दूसरा कोई भी नकारात्मक दृश्य, ऐसे डराने वाला कोई दृश्य हो, कोई नकारात्मकता को प्रदर्शित करने वाले फोटो जो है ना, वो अपने घर में हमें कभी भी नहीं लगाने चाहिए। वैसे फोटो हमेशा घर में एक नकारात्मक माहौल बनाएंगे, लड़ाई का माहौल हो गया, कहीं पे भयंकर दर्द का कोई ऐसा चित्र है जो अपना दर्द बखान कर रहा है, रोते बिलखते लोगों का फोटो है, ऐसे मतलब जो नेगेटिविटी फैलाने वाले चित्र है वो अपने घर में नहीं लगाएं। बस जोन के हिसाब से सुंदर हंसते चेहरे, मुस्कुराते चेहरों को लगाएं, धन की देवी लक्ष्मी के लगाएं, देवी देवताओं के लगाएं, यह सब फोटो आप अपने घर में लगा सकते हैं। आपके लिए ये सभी यदि जोन के हिसाब से आपने लगाए तो बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देने वाले रहेंगे। जय श्री राम।